तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म है हिंदू धर्म। बावजूद इसके उसे अपने ही भगवान राम की जन्मस्थली पर मंदिर बनाने के लिए सालों संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कोर्ट के चक्कर भी बार बार लगाने पड़ते हैं। और कोर्ट में विरोधी पक्ष के वकील हिंदुओं की तुलना उस तालिबान से करते हैं जो खौफ और दहशत का दूसरा नाम है। क्या देश के 100 करोड़ हिंदू तालिबानी है? यही है आज का एजेंडा। पहले हिंदू आतंकवाद, फिर हिंदू पाकिस्तान, अब हिंदू तालिबान। हिंदुओं से ऐसी नफरत क्यों? क्या 100 करोड़ हिंदू तालिबानी हैं? सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा पैनल, आज का एजेंडा। तो देश के करोड़ों हिंदुओं से कोई इतनी नफरत आखिर क्यों और कैसे कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कभी हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ने के लिए हिंदू आतंकवादी की कहानी गढ़ दी जाती है। बम धमाकों में हिंदूवादी संगठनों के शामिल होने के आरोप लग जाते हैं। जांच के बाद जब धीरे धीरे स्थिति साफ होती है तो दूर जा रहे मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए फिर से हिंदुओं के नाम पर उन्हें डराया जाता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर कहते हैं, मोदी फिर से अगर जीते तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। उधर कांग्रेस के चहेते मुस्लिम संगठन सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कोर्ट में 100 करोड़ हिंदुओं की तुलना तालिबान से कर देते हैं। आखिर हिंदू विरोधी बयानबाजी के पीछे ऐसे लोगों की मंशा क्या है? बार बार हिंदुओं का अपमान करने के पीछे आखिर मंशा क्या है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 13 जुलाई यानी शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बहस चल रही थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन अपनी दलील रख रहे थे। इसी दौरान वकील राजीव धवन ने एक ऐसी विवादास्पद दलील रखी जिसका विरोध होना तय था। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे वकील राजीव धवन ने दलील दी कि जिस तरह बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा तालिबान ने तोड़ी थी, उसी तरह भारत में बाबरी मस्जिद को हिंदू तालिबान ने तोड़ा था। मुस्लिम पक्षकार के वकील ने सीधे तौर पर देश के 100 करोड़ हिंदुओं की तुलना तालिबान से कर दी, वो तालिबान जो अपनी क्रूरता, अपनी नफरत फैलाने के लिए कुख्यात है। वकील की एक दलील में करोड़ों साल पुराने सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों हिंदू तालिबानी बना दिए गए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील की दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध जताया, क्योंकि विरोध तो होना ही था। कोई देश की 100 करोड़ हिंदुओं की तुलना क्रूर तालिबान से आखिर कैसे कर सकता है? देश के सबसे पुराने, सबसे विशाल और सबसे पौराणिक धर्म को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सियासत में 1947 से ये सिलसिला चला रहा है। कभी हिंदू शब्द पर आपत्ति जताई गई, तो कभी हिंदुत्व को आतंकवाद का स्वरूप बता दिया गया। कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री से लेकर भावी प्रधानमंत्री तक, पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक, जिसको जब जब मौका मिला हिंदू विरोधी बयान देने में किसी ने गुरेज नहीं किया। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या देश के 100 करोड़ हिंदू तालिबानी है? सुन्नी वक्फ बोर्ड को हिंदू और तालिबान में कोई अंतर नजर नहीं आता। किस साजिश के तहत हिंदू विरोधी बयानबाजी की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले अगर धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म होता है, लेकिन बावजूद इसके अपने ही मंदिर को बनवाने के लिए बार बार इंतजार किया जाता है, लेकिन उसी पर आरोप लगा दिया जाता है कि भारत में हिंदू तालिबानी है। आखिर क्या है इसके पीछे मंशा, चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में मौजूद है इस समय। हमारे साथ में आलोक शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ में मौजूद है। स्वागत है आलोक शर्मा जी आपका। बता दें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, सिविल इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई भी की है। हमारे साथ रामविलास वेदांत जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, जो राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं, राम मंदिर आंदोलन के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ में इस चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता आशीष सूद भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है।
स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। टीवी डिबेट्स में हिंदुओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं बेबाकी से। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं। मौलाना साजिद जी, आपका भी बहुत स्वागत है, और इस्लाम के जानकार भी हैं। बता दें इसके अलावा वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड से हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वसीम जी, स्वागत है आपका। वसीम जी टीवी डिबेट्स में बेबाकी से अपना पक्ष रखते रहे हैं और आज भी इस चर्चा में पक्ष रखेंगे। इसके अलावा विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय धरोहर मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। विजय शंकर जी, आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि आज की चर्चा है, बहस की शुरुआत कर लेते हैं। इस राउंड में हम मुद्दे पर सीधी बहस करेंगे, और सबसे पहले मैं सवाल आप ही से करना चाहूंगी रिजवी साहब, आखिर क्यों जो हिंदू हैं वो सभी आपको तालिबान ही नजर आते हैं? वो तालिबान, आप उस तालिबान से तुलना कर रहे हैं जिसकी क्रूरता हम सभी के सामने है, आखिर ऐसी क्या आपको तस्वीर नजर आ गई? देखिए, हिंदुओं की तुलना तालिबान से करना या शिया समाज की तुलना तालिबान से करना, ये तो एक एक गंदी मानसिकता की बात है। क्योंकि आप बताइए, आपने तालिबान की तुलना क्यों की? आपने कहा कि वहाँ पर जो स्टैचू लगे थे तालिबान ने उसको तोड़ दिए। हिंदुस्तान में जो स्ट्रक्चर को गिराया गया या जो स्ट्रक्चर गिरा उसके ऊपर मुकदमे कायम हुए, आज भी वो मुकदमे अदालत में चल रहे हैं। क्या तालिबान में तालिबानियों के खिलाफ मुकदमे उस स्टैचू को गिराए जाने पर या तोड़े जाने पर तालिबान में चल रहे हैं? ये अब इसको अगर यूं मान लिया जाए कि 1528 में बाबर के आतंकियों ने जो राम मंदिरों को तोड़ा, तो उसका रिएक्शन इसलिए हुआ। रिजवी जी, तो आप 100 करोड़ हिंदुओं का तालिबानी से आप उनकी तुलना कर देंगे? ये बहुत गंभीर बात है, और यही हमारे आज का सवाल भी है कि क्या देश के 100 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं वो तालिबानी हैं, जो हिंदू हैं वो तालिबानी हैं? इस पूरी चर्चा में मैं शामिल करना चाहूंगी अब स्वामी चक्रपाणी जी से भी, उनका रिव्यू जान लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे, हिंदुओं को तालिबानी कहा जा रहा है? नैना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तालिबानी कहना है तो उस बाबर को कहना चाहिए जिसने विदेश से आकर भारत में न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा बल्कि हिंदुओं की आबरू, हिंदुओं की अस्मिता को मिटाने का काम किया, पूरे देश की अस्मिता को मिटाने का भरसक पूरा प्रयास किया। और तालिबान अपने आप में मानवता के लिए एक गाली शब्द है, एक ऐसी क्रूरतम शब्द है जो मानवता को तार तार करता है, जो बहु बेटियों के सम्मान नहीं करता बल्कि अपनी शब्दों की भाषा नहीं बोलता बल्कि गोली से बोलता है और अपनी दबंगई दिखाता है। उसी की तालिबानी देखो, एक छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ा, मलाला जैसे एक छोटी सी बच्ची को जो जिसको पूरा विश्वास सम्मान करता है। कहने का मेरा मतलब है कि तालिबान एक इतना क्रूरतम शब्द है और इतने मानवता के रूप एक बहुत बड़ा धब्बा है, कलंक है, और उससे तुलना करना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण। पिछले काफी समय से कोई भगवा आतंकवाद, कोई भगवान राम को काल्पनिक बता देता है, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कहीं ना कहीं सहिष्णुता ही है हिंदू समाज का। हमारा वेद सबसे पुराना है, वेद क्या कहता है? मनुर्भव मतलब मनुष्य बनो, मनुष्य बनने की जो प्रेरणा देता है, मनुष्यता का मतलब सत्य अहिंसा करुणा दया प्रेम पे आधारित है, उसको ये कहना, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये या तो दिमाग का दिवालियापन है या तो जानबूझकर। सवाल तो यही है कि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात, जहां पर हमेशा से हम उसकी परिपाटी देखते रहे हैं, लेकिन उसी देश में अगर हिंदुओं को तालिबानी अगर कहा जा रहा है, वाकई में चिंता की बात है। आलोक शर्मा का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आलोक जी, एक तरफ शशि थरूर की बात करें, पहले हिंदू पाकिस्तान की बात कही जाती है, अब उसके बाद में हिंदू तालिबान की बात सामने आ रही है, आखिर क्या मंशा है? आखिर क्या मंशा के साथ में इस तरह की एक अलग प्रोपोगेंडा तय किया जा रहा है, इस तरह की किस साजिश के तहत बयानबाजियां हो रही हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ना हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए ना हिंदू पाकिस्तान शब्द का। तो आप ही की पार्टी के नेता तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आलोक जी? मैडम सुन तो लीजिए ना, मैडम मुझे पता है ना, आपने बता दिया ना, आप मेरा उत्तर सुन लीजिए, आप या आप ही उत्तर दे दीजिए मेरा। चलिए बोलिए बोलिए। ये इतना, ये मतलब हर विषय को इतना हल्का मत बनाए ना आप लोग,
बहुत गंभीर विषय है सर, गंभीर है तभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं आप ही की पार्टी के नेता से अगर हुई, उसके बाद में अगर पहले हिंदू पाकिस्तान की बात होती है, उसके बाद हिंदू तालिबान की बात होती है, हल्का हम नहीं बना रहे, इसीलिए चर्चा की जा रही है, पक्ष रखिए। अरे मैम आप सुन लीजिए ना जरा, देश के प्रधानमंत्री, मैडम सुन लीजिए ना जरा, देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करें, देश के प्रधानमंत्री ईद और दिवाली पर बिजली की बात करें, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा गुजरात का चुनाव आए तो हो जाए, बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा केवल आसाम के चुनाव तक रहे, आप देखिए कौन कितना क्या कर रहा है, आज के हालात कैसे हैं। हम कह रहे हैं पूरी तरह से हिंदू शब्द के साथ किसी भी तरह के आतंकवादी संगठन या उसका कोई उपयोग नहीं होना चाहिए शब्द का, यह हिंदू धर्म का पूरी तरह से अपमान है। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से आज देश इस बात को समझ रहा है। मुद्दे की बात यह है कि साथ साथ ये भी देखना होगा कि पिछले 4 वर्षों में 133 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। क्या केवल हम यहां पर टीवी की डिबेट करें और उस बात को भूल जाएं? 33 घटनाएं पिछले 4 महीने में मात्र बच्चा चोरी को लेकर। आलोक जी आप बताइए कि 16, अरे सर सुनिए ना सर, नहीं नहीं आप इस बात को सही कीजिए, आप जिस मुद्दे को इससे जोड़ रहे हैं ये गलत बात आप कह रहे हैं। 2016 कांग्रेस की यही पॉलिसी तो खराब है, आप कह रहे हैं कि हिंदू आतंक हिंदुओं को तालिबान से जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसके बात कह रहे हैं साथ साथ ये भी देखना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत है, कांग्रेस इस बात से सहमत है, साथ साथ का मतलब आप हमें बता दीजिए। नहीं है, मैंने पहले उसका खंडन किया। आलोक जी आपने पहले खंडन किया, आपका खंडन को हम सम्मान देते हैं कि आपने खंडन किया, लेकिन आलोक जी आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि साथ साथ ऐसा भी है। हो गई तो उसको क्या कहेंगे, आप इस बात को अलग रखिए और इस बात को अलग रखिए, बहुत अच्छा हो गया, आप इस बात को अलग रखिए और उस बात को अलग रखिए, ये 200-400 लोगों को बात है, इसका आपने खंडन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात में कि आप खंडन है उसका, लेकिन यानी कि आपने इस पार्ट जिस तरह की विचारधारा आ रही है उसको भी तो सोचना होगा, नहीं सोचना होगा क्या? तो क्या मतलब इस वजह से आप आपके समर्थित जो लोग हैं कांग्रेस का जो समर्थन कर रहे हैं वो हिंदुओं को तालिबान कहने पर आमादा हो जाएंगे? रामविलास मैदान मैं कह रहा हूं बिल्कुल आमादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैंने उसका खंडन किया रिजवी जी, या तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे मेरी बात को। नहीं नहीं मैंने ध्यान से सुना, बच्चा चोरी की घटनाओं में आप 33 लोग पिछले 4 महीने में 33 घटनाएं हो गई उसकी बात नहीं होनी चाहिए? लेकिन बात तो यही है ना सर कि अगर इस तरह से अगर बयानबाजी होती है तो हम दूसरी पार्टी को लेकर, अरे भाई अभी तो उन्हीं की बोले बोल रहे हैं ना, इसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चर्चा में रामविलास मैदान कहा कि भगवान राम भी नीचे आ जाए तब भी रेप नहीं रुक सकता है, क्या बीजेपी इस बात से समर्थन कैसे कर सकता है? अक्रांता बाबा हीरो, लेकिन जो राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने की बात कही कर रहे हैं कि वहां पर क्या तालिबानी उन्हें तालिबानी कहा जाता है? आप मुझे केवल ये बताइए, एक मिनट सुनिए ना, मैंने साफ खंडन किया, लेकिन मुझे केवल भाजपा ये बता दे राम मंदिर बनाने के लिए भाजपा क्या एक कदम चली है? क्या पार्लियामेंट में कोई एक बार भी राम मंदिर बनाने का कांग्रेस पार्टी बोला है? केवल राम मंदिर के नाम पर रोटियां सेकते रहिए। 16 अप्रैल 2016 को संस्कृति मंत्री कहते हैं कि सीता माँ जो है वो काल्पनिक पात्र है, क्या कहा था कि नहीं कहा? कभी हिंदू बनते हैं कभी मुसलमान, कितने रंग है कांग्रेस के, अरे कितने रंग है कांग्रेस के, आप लोग वोटों के लिए कभी कोर्ट के ऊपर जेलों पहन के जेलोदारी। रामविलास वेदांती जी का भी रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है, रामविलास वेदांती जी आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर बनाए जाने वालों को तालिबानी कहा जा रहा है, क्या किया है जरा बता दीजिए। सर सबको बोलने का मौका, रामविलास वेदांती जी की प्रतिक्रिया सुनते हैं। अरे कोर्ट में जो मैटर है उस पर हम क्या करेंगे, 70 साल से आप लोगों ने, अरे भाई आप लोग तो 70 साल तक वोट मांगते रहे, चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे जो ढांचा तोड़ा गया का विषय कोर्ट कुछ नहीं वो कर सकता। ढांचा मस्जिद का ढांचा नहीं था, वहाँ रामलला विराजमान थे, वहाँ मंदिर था, वहाँ 84 कसौटी के खंभे पर विक्रमादित्य ने भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराया था। 1528 में जब बाबन ने तोड़ा तो 14 कसौटी के खंभे नहीं तोड़ पाया, 14 कसौटी के खंभे में देवी देवताओं की मूर्तियां थी, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति थी, इसलिए हम लोगों ने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया, कोई मस्जिद को नहीं तोड़वाया, रामलला मंदिर में विराजमान थे। तालिबानी भारत का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, तालिबानी तो सब पाकिस्तानी हैं, तालिबानी अफगानिस्तानी हैं, तालिबानी सब ईरान इराक के रहने वाले लोग हैं, भारत कभी तालिबान नहीं बन सकता, भारत हिंदुस्तान है और भारत में कोई भी हिंदू तालिबानी नहीं, राजीव धवन तालिबानी हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग तालिबानी हो सकते हैं, सुन्नी बप के लोग तालिबानी हो सकते हैं,
लेकिन हिंदू तालिबानी कभी नहीं हो सकता है। हिंदू तो तालिबानियों को कुचलने वाला है, हिंदू तो तालिबानियों को नष्ट करने वाला है, हिंदू तो तालिबानी आतंकवाद को समाप्त करने वाला है। इसलिए राजीव धवन का यह वक्तव्य बिल्कुल गलत है। अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया, अयोध्या में बाबर के नाम पर लोग मस्जिद कहते थे, लेकिन वो मस्जिद नहीं थी। दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होती हैं। वहाँ 14 कसौटी के खम्भे में 12 भगवान की मूर्ति थी, धनुष बाण के चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे, वो मस्जिद कैसे हो सकती है? हमने मंदिर के खंडहर को तोड़ा और मंदिर के खंडहर को तोड़वाया। मैंने तो साफ कहा है कि मंदिर के खंडहर को तोड़ा हूँ, यदि फांसी होती है या आजीवन कारावास होता है तो मैं कारावास में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राजीव धवन आतंकवादी हो सकते हैं, तालिबानी हो सकते हैं, हिंदू तालिबानी नहीं हो सकता। वसीम जी, मुझको ऐसा लगता है कि राजीव धवन को कांग्रेसियों ने तालिबानियों की घूंटी पिला दिया है। तालिबानी की घूंटी पीने से उनको भारत का हर हिंदू तालिबानी दिखाई देता है। मुझको ऐसा लगता है कांग्रेस से प्रेरित, सपा से प्रेरित, यही तो बात समझाने की बार बार कोशिश भी की जा रही है। जी रामलाल वेदांती जी, लगातार ये कोशिश भी की जा रही है कि आखिर वो आक्रांता बाबर जिसने किस तरह से उसकी क्रूरता सबके सामने थी, वो इनके लिए हीरो है, लेकिन जो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाए जाने की बात कही जाती है और वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने ही भगवान, अपने ही इष्ट के मंदिर बनवाने के लिए, वो इनकी नजरों में तालिबानी है। वसीम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अदरवाइज में? जी, तालिबान का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, बाबर भी तालिबान का था, बाबर भी अफगानिस्तान का था और तालिबान भी अफगानिस्तान के हैं, तो बाबर का और बाबर के मानने वालों का सीधा टच जो है वो तालिबान से हो सकता है। जो लोग आज बाबरी के पैरोकार हैं वो तालिबानी हो सकते हैं, हिंदू ना हो सकता है, ना शिया हो सकता है। ये ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी मानसिकता रखते हैं। आज भी अफसोस की बात है कि बाबर को मरे हुए जमाने हो गए, लेकिन आज भी कोर्ट में बाबर के समर्थक मौजूद हैं, आज भी हिंदुस्तान में बाबर के समर्थक मौजूद हैं जो बाबर की पैरवी सुप्रीम कोर्ट तक में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वसीम रिजवी जी, जिस तरह से अगर आप लोग भी अगर तालिबानी की अगर बात करते हैं, हिंदुओं को तालिबानी अगर बता देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उस मानसिकता का ही परिचायक की तरफ से या शिया समाज की तरफ से कभी हिंदुओं को इस तरह का आपत्तिजनक अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किया। बाबर आतंकवादी था, विदेशी था, आक्रांता था, भारत में उसने अटैक किया, उसने मंदिर भी तोड़ा, मस्जिद भी तोड़ा। गांधी जी, बाबर भी अफगानिस्तान का था और तालिबान भी अफगानिस्तान का है, और आज जो वहां पैरवी कर रहे हैं ये भी अफगानिस्तान की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, ये भी वही तालिबानी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। जिन्होंने ये अल्फाज कहे उनकी भी मानसिकता वही होगी। जी, ये भी मौलाना साजिद रशीदी को भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। मौलाना साजिद रशीदी, आप ही बताइए, भारत की अगर बात करें, जिस तरह से खुलेआम भारत, वो भारत जिसने आपको बोलने की आजादी दी, शायद इतनी ही आजादी के साथ में सर्वोच्च अदालत में खड़े होकर हिंदुओं को तालिबानी कहा जाता रहा है, क्या कहेंगे प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजीव जी जिसने ये बयान दिया है वकील साहब ने, वो कोई मुसलमान नहीं है। आप पैरवी कर रहे हैं सर, को मुसलमान से अगर जोड़ेंगे पैरवी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नाइंसाफी है मुसलमान के साथ। मुसलमान के साथ के तो नहीं, छोड़ दीजिए, उसको पैरवी कर रहे हैं तो क्या है जी? अगर जो कोई भी आदमी पैरवी कर रहा है वोट की तरफ से बात मानी जाएगी, क्या उस बयान को आप मुसलमान से जोड़ देंगे? वो जो बयान देंगे या कोर्ट के अंदर जो बात रख रहे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बात मानी जाएगी, क्योंकि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील है। आप चुप रहिए, मुझे क्यों आप चुप रहिए? अच्छा, तो मौलाना साहब जी, आप ये बता दीजिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड को हिंदू और तालिबान में कोई अंतर नजर आता है? क्यों बोलते हैं किसी के बीच में? चुप रहिए भाई, क्यों क्यों? आप अगर कोई गलत बात कर रहे हैं तो आपको हम चुप रहिए। अगर आपका वकील कोई गलत बात कर रहा है तो आपका वकील जो कोर्ट में बात रख रहा है या मंदिर का पक्ष रख रहा है, तो इसका मतलब वो उसका पक्ष है, आपका पक्ष नहीं है। आपका सबका अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है एक तरीका, बिल्कुल। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप इसे जाना चाहेंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड को हिंदू और तालिबान में कोई अंतर नजर आता है या नहीं आता है? आप मुझे बात नहीं रखने दे रहे हैं अपनी? बोलिए बोलिए, यही तो तालिबानी सोच है, जो किसी को बोलने ना दे। बोलिए बोलिए, जो किसी को बोलने ना दे, यही तालिबानी सोच है। भारत ने आजादी दी है बोलने की, भारत ने आजादी दी है तभी बोला जा सकता है इतना। मुझे बताइए, आप मेरी बात सुन, आप मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए बोलिए, अब आपने बोलना शुरू कर दिया, पहले ये वसीम रिजवी बोल रहे थे,
आप मुझे बताइए, जैसे तालिबान ने बामियान में मूर्ति तोड़ी है मानते हैं सब लोग, ऐसे ही उन आक्रांताओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। सारे हिंदुओं को राजीव टंडन ने तालिबानी नहीं कहा, वो लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद जाकर तोड़ी है उनकी सोच तालिबानी सोच थी, उनकी सोच तालिबानी सोच थी। क्या बुरा कह दिया उन्होंने? जो लोग आज भी ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे और मंदिर बनाएंगे वहां जाकर, क्या वो तालिबानी सोच नहीं है? क्या बोलूं? ये वेदांती जी कहते हैं खुलेआम हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, क्या है तालिबानी सोच नहीं है? नहीं, जिन लोगों को देश का कानून नहीं, वहां मंदिर था, देश के संविधान का कोई चीज नहीं था वहां पर। देखिए परिक्रमा नहीं होती, कानून को न माने वो तालिबानी है, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। मूंग मसूर की दाल, इस देश के अंदर जितने आतंकवादी पकड़े गए केवल मुसलमान पकड़े गए, कोई हिंदू आतंकवादी पकड़ा ही नहीं गया। अरे वो तो कोई हिंदू आतंकवादी नहीं, आतंकवादी नहीं, दीवाने हम हैं, दीवाने आप हैं, बेगानी हमारी चीज पर कोर्ट में लोग स्वयं तालिबानी कर रहे हैं, कोर्ट में वो नौबत होने वाली है, तालिबानी ना होते कैसे तालिबानी कैसे होता? देखिए ना वो मस्जिद थी, ऐसे ना जब घोड़ा गया तब भी वो मस्जिद नहीं थी, जब बाबी थी तब भी मस्जिद नहीं थी। आशीष सूजी बहुत शांति से पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, आशीष सूजी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। आशीष सूजी, आपने बहुत शालीनता से सबके अलग अलग रिएक्शन सुने, अब आपका भी रिएक्शन दे दीजिए। देखिए आज मैं बहुत दुखी हूं, उस देश में हिंदुओं को तालिबानी कहा जा रहा है जिस देश में आजादी के समय जो बहुत छोटी माइनॉरिटी की आबादी थी आज देश की सेकंड लार्जेस्ट आबादी बन गई है, उस देश में हिंदुओं को तालिबानी कहा जा रहा है। और किस लिए कहा जा रहा है? केवल वोट मांगने के लिए? कभी कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा के जनेऊधारी हिंदू बन जाएंगे, कभी शिव भक्त बन जाएंगे? अरे वोट के लिए हिंदुओं के सामने मुसलमानों तो को खड़ा करना, राम जन्म भूमि का मुद्दा पहले डराना, फिर मुसलमानों की वोट बैंक को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का मुद्दा रहा है सर, उसको लेकर कभी पहले हमेशा वोट मांगे जाते रहे, और अब जब उसके बाद में अब कभी हिंदू पाकिस्तान की बात कही जाती है, कभी हिंदू तालिबान की बात कही जाती है। आलोक जी अभी बड़े फलसफे की बात कर रहे थे, आपने क्या किया? अगर ये बाबरी मस्जिद के इतने हिमायती है तो इतने साल इनकी सरकार थी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी पे केस चल रहा था, क्यों नहीं फांसी लटकवा दिया इन्होंने? अगर कोर्ट में केस चल रहा है राम जन्मभूमि का और अधिसन के हिंदू उसके साथ खड़े हैं कि हम न्याय जो न्यायपालिका फैसला करेगी उसे मानेंगे और ये हमें चैलेंज करेंगे, कांग्रेस हमें चैलेंज करेगी, मैं चैलेंज करता हूं। अगर ये कहते हैं बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ है तो जिन पर मुकदमा चल रहा था कांग्रेस की सरकार ने उनको फांसी क्यों नहीं चढ़ाई? क्यों नहीं फांसी चढ़वाई आलोक जी की सरकार ने? हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा है, भारत हिंदू पाकिस्तान की बात तभी तो कही गई है। आलोक जी शर्म आनी चाहिए इनको, समझता हूं कि राम मंदिर के नाम पर हमने कभी वोट नहीं मांगी है, शर्म भाजपा को आनी चाहिए, पूरे देश को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, शर्म भरम की बात मत कीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप उत्तर सुनिए ना जरा। अरे जवाब दीजिए, अरे भाई उत्तर सुनिए ना, आप पूछते थे, अगर वो बहुत अच्छा कर्म था, आप बताइए, अरे भाई सुन लीजिए ना जरा, अब उत्तर तो सुन लीजिए। गिराने वालों पे मुकदमा चल रहा है, अरे भाई फांसी क्यों नहीं अभी तक? कितने कितने साल कितने आपकी 6 साल पहले सरकार रही, 4 साल अब सरकार हो गई, उन्होंने बहुत पवित्र काम किया था, अगर तो उनके केस वापस क्यों नहीं ले लिया हमारी सरकार क्या रही? अरे भाई अब मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने केस वापस क्यों नहीं ले लिया अगर बहुत पवित्र काम किया था उन्होंने? तो मुद्दे की बात यह है, 10 साल मुझे केवल ये बता दीजिए, 6 साल आपकी सरकार पहले रही, बात यह है। अरे भाई सुन तो ले आप, या तो आप बोल लीजिए, चिल्ला दीजिए, मैं चुप बैठूंगा। वोट की फैक्ट्री है कि सुप्रीम कोर्ट को जज राजीव धवन को गिरफ्तार करवाएं, मेरे सवाल का आपने आरोप जो सुन्नी बबोड़ जान बूझ कर तालिबानियों का नाम लेकर सवाल कर लीजिए और सुन्नी बबोड़ को तालिबानी सिद्ध कर दिया है, जो तालिबान की ऐसे तालिबानियों को देश से बाहर निकलना चाहिए। भारत का ही संविधान, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करूंगा कि राजीव धवन सुन्नी बबोड़ तालिबानियों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे शब्दों का दुरुपयोग किया है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए,
भारत कभी तालिबान नहीं बन सकता, हिंदू कभी तालिबानी नहीं हो सकते, सुन्नी बब्बोड के लोग तालिबानी हैं, ये राजीव धवन ने सिद्ध कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ऐसे तालिबानियों को देश से निकालना चाहिए, ऐसे तालिबानियों को फांसी देना चाहिए, ऐसे तालिबानियों को सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजीव धवन तालिबानी है, सुन्नी बब्बोड तालिबानी है, ऐसे तालिबानियों को राम जन्मभूमि पर मुकदमा लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये कोई बात नहीं समझता और यही वजह भी है कहा जा सकता है। बार बार हम जिक्र करें वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा वाले इस देश में अगर हिंदुओं को 100 करोड़ हिंदुओं को अगर तालिबानी कहा जा रहा है तो जरा सोचिए कि मानसिकता किस रूप में आगे बढ़ रही है और किस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है।